मैं YouTube पे देख रहा हूँ ना वीडियो वायरल हो रहा है, वो यही 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 मतलब इस तरफ का ही वायरल हो रहा है। अयोध्या का राम मंदिर का जो पंडाल है वो बनाया गया है, मैंने अंदर से काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में दिखाया और बहुत लोगों ने वीडियो बनाई, तो मैंने सोचा चलो हम भी बनाते हैं साथ के साथ। इधर बगल में बहुत ही सुंदर सा पार्क, वो अभी फिलहाल गाइस देख सकते हो कितना अंधेरा हो चुका है रांची में, काफ़ी अभी बहुत ही ज़्यादा माहौल सुंदर हो गया है। तो अभी हम फिलहाल बकरी बाजार से होकर बाहर निकले हैं और अभी हम हरबू रोड से जाएंगे, जो मैंने आपको बताया था ना कि रांची का हमें अयोध्या राम मंदिर वाला पंडाल देखने जाना है, तो इसी रास्ते के आगे है। अभी यहाँ से लगभग आधा घंटा लगेगा, 12 से 13 किलोमीटर दिखा रहा है। तो चलो सफर को एंजॉय करते हुए, ब्लॉग को एंजॉय करते हुए सफर को आगे बढ़ाते हैं। और फिलहाल अभी हमारे भाई साहब पकड़ेंगे कैमरा, पेड़ वेड़ दिख रहा है, जूम तो नहीं ना किए हो। अभी गाइस देख सकते हो ट्रैफिक कितना ज्यादा जा रहा है। मैंने अभी GPS ऑन करके पता किया था, इधर जो हरमू वाला रोड है उस रोड पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है जहाँ अयोध्या का राम मंदिर बनाया गया है पंडाल, लेकिन हम दूसरा रास्ता अपनाएंगे ताकि थोड़ा सा सफ़र लंबा होगा, काफ़ी आराम से पहुँच जाएंगे। तो फाइनली दोस्तों हम आ गए हैं रांची का राम मंदिर पंडाल के पास और काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक लगा हुआ था यहाँ, तो पूछो मत कितना ज़्यादा जाम लगा हुआ था यहाँ पर, इतनी सारी गाड़ियाँ पार्किंग हो रखी हैं। तो हमने अपनी बाइक को यहाँ पर पार्क किया है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो अपनी रानी को, दूर दूर तक पार्किंग पूरा है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये पेड़ों पे क्या मस्त लाइटिंग लगाई गई है, ये देखो क्या पिंक कलर का पेड़ है, ग्रीन पे ग्रीन लाइट लगा दी गई है, पिंक ग्रीन पिंक ग्रीन पिंक ग्रीन, मस्त ट्रांजेक्शन लग रहा है। तो प्रीतम भाई साहब अगर भूख भूख लग गया है तो बताइए। नहीं नहीं कुछ भी लगाया, मुझे भी इतना खास भूख लगा नहीं है, क्योंकि हम सोच रहे हैं सबसे पहले भगवान जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद जब बाहर निकलेंगे तब खा पी के निकलेंगे। तो चलो एंट्री गेट थोड़ा पीछे है, मैंने वहाँ शूट नहीं किया तो वहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो सिंगों वाला, ये मस्त लगता है ये लाइट ना, सर पे सिंग लगा के, बचपन में मैं बहुत पहनता था इसे। बहुत ही प्यारा मौसम हो गया है। और गाइस क्या बताऊँ, यहाँ पर अभी हल्की फुल्की बारिश हुई है, देखो रोड बिल्कुल गीला हो चुका है, हल्की फुल्की हो भी रही है अभी बारिश, थोड़ा बहुत बाकी है, भगवान जी चाहें तो कभी भी बहुत ज़्यादा थमकर बरस सकते हैं, लेकिन अभी बरस नहीं रहे हैं, अभी थोड़ा सा रहम खा रहे हैं भगवान जी, लेकिन जितना है थोड़ा बहुत बरस रहा है। बस फिक्र मुझे अपने फ़ोन की है कि ज़्यादा फ़ोन मेरा गीला ना हो जाए, कि अगर फ़ोन गीला हो गया तो गाइस वीडियो कैसे बनाऊँगा मैं। बाकी इस वाले पार्ट से पीछे वाले एरिया में काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा यहीं पर उतरते हैं। और ये है इसका एंट्रेंस गेट, राम श्री राम मंदिर, राम लला पूजा समिति। काफ़ी सारे लोग देखकर बाहर आ रहे हैं, तो अब थोड़ा थोड़ा अंदर जाना स्टार्ट हो गया है। ये रुक गया, हाँ बम फट गया गाइस, बम फट गया गाइस, बम फट गया गाइस, भगत। अभी हमने पहला लेवल पार किया है गाइस, अभी दूसरा लेवल बाकी है, लोग ऐसे भाग रहे हैं जैसे कि क्या हो गया हो, कोई धमाका वमाका हो गया, ऐसे भाग रहे हैं। चलो थोड़ा सा झलक दिखाई दिया राम मंदिर का पंडाल, वाह। पंडाल के अंदर जाना अलाव है कि बाहर बाहर से निकाल देंगे? दे रहा है ना, ये देखो ये हमारे राम जी, कृपया रुकिए मत
अरे चल ही तो रहे हैं भैया, इतने घंटे से आ रहे हैं। हाँ तुम्हें ही दिक्कत है, हमें दिक्कत नहीं है। लेडीज के आगे थोड़ी है, देखो कितना डिस्टेंस है। पागल आदमी ये है गाइस हमारे रांची का राम मंदिर का पंडाल, काफी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है। चलो अब दुर्गा माता के दर्शन करते हैं। मंदिर जाने के बाद काफी अच्छे डिटेल के साथ बनाया गया, एक बात तो है। चलो भैया जी, तो हमसे बहुत तकलीफ हो रहा है। प्रीतम, एक घंटा लाइन में लगने के बाद आखिरकार भगवान जी का दर्शन कर लिया हमने। हमारे पीछे है बहुत ही खूबसूरत मेला। मैं YouTube पे देख रहा हूँ ना, वीडियो वायरल हो रखा, वो यही 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 मतलब इस तरफ का ही वायरल हो रहा है ज़्यादा, पूरी डिटेल के साथ बनाया गया है। तो ये है हमारे रांची के अंदर, झारखंड के अंदर, जो कि अयोध्या का राम मंदिर का चिट्टो पंडाल है वो बनाया गया है। मैंने अंदर से काफ़ी अच्छे तरीके से डिटेल में दिखाया और बहुत लोगों ने वीडियो बनाई, तो मैंने सोचा चलो हम भी बनाते हैं साथ के साथ। इधर बगल में बहुत ही सुंदर सा पार्क है गाइस, और इस टाइम मैंने बोला था ना शाम के टाइम इसकी क्वालिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी आएगी, क्योंकि अगर हम यही चीज़ देखने के लिए दिन में आते ना तो ये लाइटिंग वगैरह आपको इतनी सुंदर नज़र नहीं आती। हम रात में ही आए हैं जानबूझकर, ताकि जो राम मंदिर का जो पूरा डेकोरेट किया गया है लाइटिंग वगैरह एकदम क्लियर प्रॉपर तरीके से दिखाई जाए। एक बात तो बहुत गंदी लगी मेरे को इसके अंदर, बहुत सारे श्रद्धालु ऐसे हैं जो कि मंदिर के कम दर्शन करने आते हैं लेकिन मंदिर में आई हुई लड़कियों के ज़्यादा दर्शन करते हैं। इतनी बात, इतनी धक्का मुक्की। एक भाई साहब ने मेरे से बहस कर लिया, मतलब कि चलिए आगे चलिए, लेडीज़ है। अरे लेडीज़ है, लेडीज़ का ख्याल हम भी रखते हैं। सारी लेडीज़ों को मैंने आगे जाने दिया, एक बच्चा भी था। मैंने कितने बच्चों को आगे जाने दिया, लेकिन एक भाई को इतनी दिक्कत होगी, लेडीज़ उसके पास थी, बाकी किसी के पास नहीं। मतलब उसको अपनी बीवी नज़र आ रही थी, बाकी किसी की बीवी नज़र नहीं आ रही थी। वो जैसे तैसे करके चढ़ता जा रहा था। यही है भगवान की भक्ति और शक्ति का दुरुपयोग किया जा रहा है आजकल। रियलिटी है गाइस, भक्ति का बस एक हवा बना दिया है लोगों ने। सही में यार, असल में तो यार इंसान अच्छा होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। गंदे तरीके से इंसान बहस कर रहा था मेरे से, लेकिन कोई बात नहीं। बाकी गाइस ये हमारे रांची के खूबसूरत व्यू, ये मेरा फेवरेट बचपन का झूला जंपिंग जपाक, और ये इधर देखोगे तो बहुत बड़ा वाव, तो बहुत ही प्यारा आ रहा है, एकदम मस्त आ रहा है एकदम। चलिए नहीं लिया, चलिए फिर तो लीजिए। वाव गाइस क्या बताऊँ, बार बार मेरा कैमरा इसी तरफ जा रहा है क्योंकि इधर से काफी अच्छा व्यू आ रहा है, और अंदर का माहौल काफी ज्यादा गर्म है, बच्चे खूब खेल रहे हैं। यार झूलों की तो पूछो मत, बहुत झूले हैं यार, खासकर बच्चों वाले ज़्यादा झूले हैं। वो डेंजरस झूला वो देखो, वो अभी अभी हमने शायद बकरी बाज़ार में देखा था, उस टाइम वो झूला स्टार्ट नहीं हुआ था, मतलब यहाँ स्टार्ट हो चुका है।
ये हमारे पवन पुत्र हनुमान, इनको थोड़ा आगे से हमें कैप्चर करना है। चलो चलते हैं। देखो गाइस कितने सारे बैनर लटके पड़े हैं यहाँ पर, दुर्गा पूजा का श्री अलंकार, सब अपना अपना प्रमोशन कर रहे हैं गाइस। ये देखिए कितने लोगों का प्रमोशन हो गया गाइस, अपाचे, श्रीलंका, दुर्गा पूजा, ज्वेलर्स। घर जाने से पहले हम लोगों को प्रसाद मिल गया। रायलाल चौक का पंडाल है, ये काफी खूबसूरत लग रहा है। ये दिन में मैं आके देख चुका हूँ। इसका जो मतलब कलर है वो मिट्टी के घर की तरह, जैसे कोई किला होता है मिट्टी का कलर जैसा होता है, ब्राउन ब्राउन वैसा है। लेकिन रात का टाइम है, लाइट ज्यादा जल रही है। भारत का नक्शा दिया गया है, देखो एक भारत देश। ये शायद शहीदों के लिए कोई किला बनाया गया है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति। चलो एंटर करते हैं यहाँ से। ये अयोध्या राम मंदिर का चित्र बनाया हुआ घर भी है। ये सब ना पुराने मतलब प्राचीन काल में जैसे जैसे भगवान का वो हुआ ना, उस तरीके से दिखाया गया। ऊपर भी अच्छे से डेकोरेट कर भाई, ऊपर कितना मस्त बना रखा है। एकदम सल्ली से भेजेंगे। ऋषि मुनि जो होते हैं ना पृथ्वी, उनका बनाया गया है सारा, पूरा थीम वही है। चलिए पंडाल अच्छा बना है। बस एक यहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री जी की फोटो मतलब मूर्ति बनाई गई है ना। फाइनली दोस्तों इस पंडाल के अंदर से जो भी कुछ था मैंने दिखाया। गाइस हम जब यहाँ से जा रहे थे ना तभी बता रहा था कि रात की लाइटिंग यहाँ की काफी खूबसूरत है, जो कि अभी देखो रात हो चुकी है, शाम के टाइम हम जा रहे थे, अभी कितना मस्त नजारा हो गया है दोस्तों। इधर लोगों ने अपने अपने बिल्डिंगों में भी लड़ियाँ लगा रखी है। ये रांची का रिम्स वाला जो अंदर कॉर्नर में जाते हैं वो वाला मंदिर है गाइस, क्या खूबसूरत नजारा है गाइस। हाँ।
गाइज अभी हम आए हैं BIT बस्ती। अच्छा लग रहा है लेकिन कुछ लाइटें काम कर रही है, कुछ लाइटें नहीं काम कर रही, शायद अभी कुछ अलग की। जब हम जा रहे थे उस टाइम इस गाने वाने काफ़ी अच्छे चल रहे थे भक्ति, और सामने की तरफ अब मैं पंडाल के नज़दीक पहुंच चुका हूँ। ऐसा लग रहा है मैं ताजमहल के पास जा रहा हूँ। दिख रहा है तुम्हें वो? देखो सामने पंडाल नज़र आ रहा होगा गाइज। तो ये है मस्त सा पंडाल गाइज, देखो ये भी काफ़ी अच्छा बना रखा है, पर यहाँ पे लोगों की बहुत कम भीड़ है गाइज। ऐसा लग रहा है सब सो गए हैं, है ना। चलो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं कौन सा पंडाल देखने को मिल जाए। मैं सोच रहा हूँ वीडियो ख़त्म करूँ, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है, बट ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा।